गाइस थोर और हल्क के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक फाइट हो गई है और उस फाइट में हमारे हल्क ने थोर को काफी बुरी तरीके से पीट भी दिया है, जिसके बाद थोर ने अपनी पिटाई का बदला लेने के लिए हल्क की सारी स्ट्रॉन्गेस्ट और लग्जरी कार्स को पूरे लॉस सैंटोस में अलग अलग जगहों पर छुपा दिया है। इसी वजह से अब हमारा हल्क काफी ज्यादा दुखी हो गया है और उन सभी कारों को ढूंढने के लिए हल्क ने फ्रैंकलिन को ऑफर दिया है कि अगर फ्रैंकलिन हल्क की सारी कारों को ढूंढ लाएगा तो वो उनमें से एक कार फ्रैंकलिन को गिफ्ट कर देगा। और आप तो जानते ही हो कि हल्क के पास कितनी तगड़ी तगड़ी कार्स है, तो अब देखना यह है कि क्या फ्रैंकलिन हल्क की सारी कार्स को ढूंढ पाएगा। और आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना कि आप किसके फैन हो, थोर के या फिर हल्क के। ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना। तो गाइस यार हमारी जो पहली हल्क की कार है हमें यही कहीं मिलने वाली है। चलो यार देखते हैं कि हमें वो कहां पर मिलेगी। गाइस ध्यान रखना कि वो बिल्कुल ग्रीन कलर की होगी। अरे ये क्या है गाइस, ये देखो हमें यार फाइनली एक ग्रीन कलर की कार मिली तो है। तो चलो देखते हैं कि ये हल्क की कार ही है ना। अरे हाँ गाइस यार ये देखो कितनी ज्यादा लग्जरी है भाई, ये यार ग्रीन कलर की कार है और ये हल्क की कार है। तो चलो गाइस अभी हमने हल्क की पहली सुपर लग्जरी कार को ढूंढ लिया है और अभी हम इसकी स्पीड को चेक करेंगे। एक मिनट गाइस, अरे भाई साहब क्या ही दौड़ रही है यार, इस पे इसने ये ऑरेंज कलर क्यों करवा रखा है मुझे ये समझ में नहीं आया। लेकिन गाइस यार कुछ भी बोलो, ग्रीन कलर की ये वाली कार काफी ज्यादा लग्जरी है। गाइस मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, अगर आपको ग्रीन हल्क पसंद है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में ग्रीन हल्क को ओपी लिख देना, वरना मैं ये समझूंगा कि आपको वो यार सड़ा हुआ रेड हल्क पसंद है। तो जल्दी से यार जिसको ग्रीन हल्क पसंद है कमेंट सेक्शन में ग्रीन हल्क को ओपी लिख देना। और यार अभी तो हमने ग्रीन हल्क की सुपर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर की एक गाड़ी भी ढूंढ ली है। ये देखो हमने इसे यार इतना उछाल है, पहाड़ों से गिराया, रोड पर कैसे चलाया, लेकिन ये फिर भी सुपर स्ट्रॉन्ग है। तो यार इस गाड़ी के लिए भी एक बार ओपी तो लिख देना चैट में। तो चलो यार अभी हमने इस वाली गाड़ी को काफी दूर तक चला लिया है, अभी हम हल्की दूसरी गाड़ी को ढूंढने के लिए जाने वाले हैं और उसका हमें पता नहीं है कि वो कौन सी है, तो उसे ढूंढने में भी हमें काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो यार फाइनली अभी हम यार टोनी स्टार्क के मेंशन के बिल्कुल नजदीक है और हमें पता लगा है कि यार हल्की एक गाड़ी टोनी के घर पर भी खड़ी है। तो चलो यार बिल्कुल आराम से जाएंगे ताकि किसी को शक भी ना हो और हम वहां से यार बिल्कुल चोरी छुपके से हल्की यार दूसरी गाड़ी को भी उठा लेंगे। तो एक काम करता हूं यार यहां पर बिल्कुल आराम से जाएंगे, सिक्योरिटी को देखते हुए कि यार आगे कहीं पर यार सिक्योरिटी ना हो, बिल्कुल आराम से एक काम करता हूं अपनी बाइक को यार यहीं पर पार्क कर देता हूं और आगे का रास्ता हम बिल्कुल पैदल तय करेंगे, बिल्कुल ध्यान से, कोई हमें ना देखता हो, हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा। यार आगे का रास्ता मुझे बिल्कुल साफ लग रहा है, आगे यार कोई भी नहीं है। चलो यहां पर झाड़ियों में से होते हुए चलेंगे ताकि हमें दूर से भी कोई ना देख पाए और हम बिल्कुल सेफली हल्की गाड़ी यहां से उठा सके। तो भाई लोग अभी आपको एक चीज दिखाता हूं, वो देखो टोनी स्टार्क के बिल्कुल घर के ऊपर एक ग्रीन कलर की गाड़ी खड़ी है। ये दिख रही है आपको यार, यहाँ से धुंधली दिख रही होगी क्योंकि आज हम स्नाइपर नहीं लेकर आए हैं, वहां पर पास से दिखाता हूँ। अरे वो देखो वहां पर नीचे यार आयरन मैन की भी कार खड़ी है और ऊपर ग्रीन कलर की हल्क की कार है। भाई यार हल्क इतना स्ट्रॉन्ग है, अपनी गाड़ी को यार घर के ऊपर पार्क कर देता है ताकि वहां से उसे कोई ना उठा सके। लेकिन आज हम भी किसी ना किसी तरह यार यहाँ पर ऊपर चढ़ के रहेंगे और इस गाड़ी को यहाँ से उतार लेंगे। भाई यार कैसे चढ़ूं, यहाँ पर आयरन मैन होगा, अगर उसने हमें देख लिया तो वो हमें यहीं पर गोली मार देगा। भाई यार कैसे चढ़ूं, कोई ना कोई जुगाड़ हमें करना होगा। तो चलो आगे की तरफ से वहां से कुछ उठाकर लेकर आते हैं और ऊपर चढ़ने की ट्राई करते हैं। तो चलो यार फाइनली हम ऊपर चढ़ चुके हैं, यहाँ से हमें और ऊपर चढ़ना होगा। और ये देखो गाइस यार ये देखो हमने फाइनली हल्क की दूसरी गाड़ी भी ढूंढ ली है। और रे यार ये तो यार सुपर ओसम लग्जरी है। तो चलो गाइस इसमें बैठते हैं और देखते हैं कि ये ऑन होएगी या नहीं होगी। अरे भाई ये तो ऑन हो गई यार कितनी इजीली। तो चलो इसे यहाँ से पहले जंप करवाते हैं। भाई वो देखो वहां पर आयरन मैन की गाड़ी भी खड़ी है। तो गाइस अगर आप चाहते हो कि मैं आयरन मैन की कार को भी उठाऊं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में इस वीडियो का पार्ट टू लिख देना, जिसमें कि मैं यार आयरन मैन की सारी गाड़ियों को कलेक्ट करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि आयरन मैन के पास कितनी सारी लग्जरी कार्स हैं। तो चलो इसे भी अपनी सुपर सीक्रेट जगह पर ले जाकर पार्क कर देते हैं। ये देखो गाइस पूरे शहर में किसी के भी पास इतनी लग्जरी गाड़ी नहीं होगी जितनी कि हल्क के पास है, इसलिए यार मेरा हल्क काफी ज्यादा फेवरेट है। क्या आपका भी हल्क फेवरेट
फेवरेट है ना यार, होना चाहिए क्योंकि ग्रीन हल्क तो सबका फेवरेट है। जल्दी, अबे भाई इसने मुझे ठोका कैसे, वो भी हल्क की कार को। एक मिनट यार, उसे बताता हूँ, उससे तो तेजी दौड़ती है हमारी ये वाली कार। उसका पीछा करेंगे और उसको बताएंगे कि उसने यार किसकी गाड़ी को ठोका है। भाई आराम से, कहाँ पर गोलियां मारते, पहले तो ये ले गया ना, कहाँ पर है भाई, भाई ये ले तुझे तो खत्म ही कर देंगे। ये ले भाई, ये देखो गाइज, हमने उसको खत्म कर दिया है। अंदर जाके देखते कौन था। अरे यार ये तो लड़की थी यार, हमने गलती से मार दिया। कोई बात नहीं यार, यहाँ से कल्टी मार लेते इससे पहले कि हमें यहाँ पर कोई देखे। अपनी गाड़ी को उठाते और यहाँ से भाग लेते। भाई हमने एक मर्डर कर दिया, अभी पुलिस हमारे पीछे लग जाएगी। तो गाइस यार अभी हम यार ये देखो ग्रेप्स के गार्डन में आए हैं, और यार आपको दिखाने के चक्कर में मेरा कितना तगड़ा एक्सीडेंट हो चुका है। एक मिनट यार, नीचे का नजारा दिखाता हूँ, कितना ज्यादा ओपी है। एक मिनट आप देखना यार, ये देखो नेचर वाली जगह यार कितनी ज्यादा ओपी लगती है ना। ये देखो यहाँ से पानी जा रहा है और वहां पर सारे यहाँ पर ये अंगूरों के बाग हैं, मतलब कि इनमें बहुत सारे ग्रेप्स लगते हैं। यहाँ पर ये क्या भाई, स्ट्रॉबेरी है क्या? नहीं यार, ये खाली फूलों के पेड़ हैं, लेकिन ये भी दिखने में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो हमें पता लगा था कि अंगूरों के बाग में हमें यार हल्की तीसरी गाड़ी मिलने वाली है। भाई यार ये देखो, यहाँ से प्लेन भी गुजर रहे हैं। भाई कितना ओसम लग रहा है यहाँ का नजारा यार। भाई यार हमें कहाँ पर मिलेगी भाई, कहाँ पर ढूंढूं मैं यार, इतना बड़ा जंगल है ये, मतलब कि यार इतना बड़ा बाग है। अरे भाई साहब ये देखो, हमें यार एक और ग्रीन कलर की गाड़ी मिल चुकी है, लेकिन यार ये मुझे बैट मोबाइल जैसी लग रही है। पता नहीं ये यार ग्रीन हल्क ने ऐसी गाड़ी क्यों ली जो कि यार बैट मोबाइल जैसी लगती है। तो चलो इसमें भी बैठते हैं और इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं। गाइस अगर ये अभी हल्की है तो हम इसको हल्क मोबाइल बोल सकते हैं ना, आई थिंक बोल सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि हम इसको हल्क मोबाइल बोले तो कैसा लगेगा, कूल लगता है या नहीं लगता। मुझे तो यार इतना ज्यादा कूल नहीं लगा, लेकिन गाड़ी ये यार ग्रीन कलर में काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। भाई यार हमने हल्क की तीसरी गाड़ी को भी ढूंढ ली है, और अभी देखना, ओ भाई साहब क्या ही जंप, ये देखो गाइस फ्लिप करी, लेकिन फिर भी हमारी गाड़ी को खरोच तक भी नहीं आई है। ये है हमारे ग्रीन हल्क का जलवा, कितनी सुपर स्ट्रॉन्ग गाड़ी होती है यार हमारे ग्रीन हल्क की। अबे भाई यार उसको मत लग जाइयो यार, ये इतनी स्ट्रॉन्ग चल रही है ना ये वाली गाड़ी, मुझसे तो हैंडल ही नहीं हो रही है यार। पता नहीं कितनी बार भिड़ी है ये वाली गाड़ी यार, इसीलिए हल्क इनको इजीली चला पाता है, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा पावर है। तो चलो गाइस अभी हम हल्क की अगली वाली गाड़ी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। भाई लोग अभी हमें पता लगा कि वो जो ठीक सामने वो पहाड़ी है ना, उसके बिल्कुल चोटी पर हमें हल्की एक गाड़ी मिल सकती है। मतलब कि यार मैं बिल्कुल पक्का कंफर्म तो नहीं हूं, लेकिन हमें वहां पर शायद मिल सकती है। मेरे एक दोस्त ने बताया वहां पर हल्क ने एक गाड़ी छुपाई है। तो चलो यार अभी हमें यार वहां पर चढ़ने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। वो अभी दिख इतना रहा है, लेकिन वो काफी ज्यादा ऊंचा है। भाई हम किसके घर में घुस गए यार, कहाँ से जाएं, कहाँ से रास्ता ले वहाँ का। यहाँ से टर्न करता हूँ और यहाँ से ऑफ रोडिंग करते हुए हम पहाड़ी के ऊपर चढ़ेंगे और देखते हैं कि हमें वहाँ पर कोई हल्की गाड़ी मिलती है या फिर नहीं मिलती है। बस यहाँ पर कोई जंगली जानवर ना हो पहाड़ों के ऊपर, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर यार जंगली जानवर का ही काफ़ी ज़्यादा डर लगा रहता है, और वो भी सबसे ज़्यादा खतरनाक माउंटेन लायंस का। वो तो यार अचानक से हमला कर देते हैं, मतलब संभलने का मौका भी नहीं देते हैं। तो यार चलो फाइनली अभी हम 2 घंटे की खतरनाक ट्रैकिंग के बाद अभी हम बिल्कुल टॉप पर पहुंचने वाले हैं। और वो देखो हमें यार एक ग्रीन कलर की चीज दिख रही है। भाई क्या है ये, ओ भाई साहब कितना तगड़ा चॉपर है, वो भी मिसाइल्स वाला है। ये देखो यार इसमें मिसाइल्स भी है, और भाई बिल्कुल ग्रीन कलर का है। अब तो मैं पक्का शोर हूँ कि ये यार हमारे ग्रीन हल्क का ही है। ओ भाई यार कितना खतरनाक होगा ये। चलो यार इसमें बैठते हैं और इसको चलाने की ट्राई करते हैं, देखेंगे कि हम इसे ऑपरेट कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। चल भाई फ्रैंकलिन चला इसको, चल। अबे भाई बाहर क्यों निकल गया, नहीं चला सकता क्या, क्या हुआ? चलो एक बार फिर से ट्राई कर, कोई बात नहीं तू चला सकता है। भाई हम दोबारा से बैठे फिर से, भाई जल्दी चला, जल्दी उड़ा इसको यार, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, हमारी ऑडियंस भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, जल्दी से उड़ा। अरे भाई साहब ये उड़ा हमारा हेलीकॉप्टर चॉपर, ओ भाई। चलो इसकी मिसाइल्स और मार के देखते एक बार। वो देखो गाइज वो मारी हमने मिसाइल्स, नीचे नीचे मार मिसाइल्स यार, वो तो आसमान में गई, नीचे नीचे कहाँ पर, ओ भाई वो देखो। तो गाइज ये देखो हमने हल्के एक और व्हीकल को कलेक्ट कर लिया है, और भाई साहब ये तो काफी ज्यादा ओपी है, हम इसमें बैठकर पूरे लॉस सैंटोस को घूम सकते हैं। तो गाइज आप मुझे जल्दी से बताओ कि आपको ये हल्का चॉपर कैसा लगा है। भाई ये काफी ज्यादा ही तगड़ा है, आपको वैसे ही लग रहा होगा, लेकिन चलाने में काफी ज्यादा मस्त है। ये देखो मिसाइल्स, देखो भाई कितनी तगड़ी मिसाइल्स मार रहे हम। हमारे सामने अगर कोई
एवेंजर भी आएगा ना, तो वो भी हमारे इस चोपर का मुकाबला नहीं कर सकता है। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चाहते हो कि मैं हल्क के व्हीकल्स कलेक्ट करने पर इसका पार्ट 2 बनाऊं, जिसमें मैं इससे भी तगड़े व्हीकल्स को उठाऊंगा, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में आपको पार्ट 2 लिखना होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख देना। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। अरे भाई यार, मैंने डाइव क्यों कर दिया? शिट यार, मैंने इतना ओसम यार व्हीकल खो दिया यार, शिट।